अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेकू, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं। मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेकू। तो बढ़िया गाना गा दिए चाचा। तो भैया जो अमिताभ जी ने हमारे अंदर डाला हमने बोल दिया, गाना भी गाते हैं क्या? गाना भी गा लेते हैं, रफी साहब को भी गा लेते। सारे कपड़े उतरवा के सुना, तो सारे कपड़े उतरवा के 200 रुपए चड्डी के पैसे दे दिए। अभी हमने गैस वाली जो पैसे 200 बचे थे उसमें चड्डी पहन ली कल। अच्छा, हम 14.5 लाख खर्चा भी कर चुके, अरे सपने में देता है वो, जुमलों में देता है वो, जब सिलेंडर जुमलों में। तो सुनो तो, जब सिलेंडर महंगा होता है तब दिक्कत होती है, अब सिलेंडर सस्ता हो रहा तब दिक्कत हो रही है। तो दूसरे स्टेट जो है, अदर स्टेट्स हैं जो गैर भाजपाई हैं, वो 500 रुपए कैसे दे पा रही ये बताइए। और आप 9.5 साल से हमको करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका, 200 रुपए की आप लॉलीपॉप दे रहे हो। मुझे 200 की मदद नहीं चाहिए, मुझे 2024 में छुटकारा चाहिए। अभी आपको पता है 250-200 रुपए किलो वाला जीरा कहाँ पहुँच गया, 800। ये 200 की भरपाई कहाँ करेगा? कहीं किसी दिन तेज पत्ता या लौंग या काली मिर्च में 800 रुपए कर देगा किलो, तो क्या करोगे? तुम्हारा तो 200 रुपए तो ऐसे ही पूरे कर लेगा वो, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी टैक्स के बहाने से। 200 रुपए अगर सस्ता हुआ तो क्या, कैसे देख रहे? चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। तो आपको कह दिया ना, पूरे कपड़े उतार के उसने 200 रुपए दिया कि अंडर पेयर पहन के घूमो। अभी आपको बताएं, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, एक मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे। अरे उसने तो चप्पल के भी लायक नहीं रखा। 200 रुपए का ये खेल क्या है नरेंद्र मोदी का? अरे आम जनता के लिए राहत है भाई, और क्या खेल है? आम जनता के लिए राहत मिल रही है, 200 रुपए सस्ता हो गया, बहुत राहत मिलेगी। रुपए की राहत नहीं चाहिए हमें, तुम्हें से 2024 में छुटकारा चाहिए हमको। तो तुमने सारे कपड़े उतार लिए हमें और 200 रुपए के लिए अंडरवियर के पैसे दे दिया, बेटा अंडरवियर पहन लो। सारे कपड़े तुमने हमारे 9.5 साल में उतार लिए और फड़ी चड्डी के 200 रुपए दे दिए जिसमें 70 छेद हैं। तो आप ये बताओ हमारा देश किस तरफ चलेगा और कैसे चलेगा? हमारा देश का प्रधानमंत्री, अच्छे दिन आ रहे देश की जनता के अच्छे दिन कल भी आए हैं। सदन चली 20-25 दिन पिछली बार, है ना, स्पेशल सदन लगाई जा रही है 5 दिन की, 18 से 22 तक कि एक देश एक चुनाव के नाम से विपक्ष को कमजोर करने की बात करते हो। विपक्ष तुम्हारे हर विपक्ष कमजोर हो रहा है, ऑलरेडी विपक्ष कमजोर है, लड़ी नहीं पा रहा। इधर आई, दुकान कहीं कमजोर नहीं है। आप 2024 साधने के लिए 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, और 3 जनवरी फरवरी में टोटल 8 राज्यों में चुनाव है। आप 8 राज्यों को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह सुगुफा छोड़ा कि 5 दिन का नया सत्र बुला लिया, विशेष सत्र, उसमें ये क्या क्या करेगा। और आपने ये देखा होगा कि ईडी चीफ के नाम से, ईडी चीफ को पहले 2 साल का कार्यकाल था, 2 साल का कार्यकाल इसने बढ़ाया जबरदस्ती, फिर 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया वो भी जबरदस्ती, तीसरी बार फिर इसने जब वो बेंच से 45 दिन का टाइम मांगा भीख के रूप में नरेंद्र मोदी। तो विशेष सत्र बुला लिया, क्या दिक्कत है भाई आपको? विशेष सत्र बुलाने का मतलब यही है कि विपक्ष को डराया जाए, धमकाया जाए, उनमें फूट डाली जाए। डर रहे क्या मोदी जी, डर रहे क्या 2024 को लेकर? नहीं डर रहा होता तो कभी नरेंद्र मोदी खुद को ऐसे अपने आप को विजेता ना घोषित कर देता 6 महीने पहले कि मैं देश का प्रधानमंत्री 2024 में बनूंगा। ये कायरता दर्शा रही है नरेंद्र मोदी की, ये मोदी की कायरता दर्शा रही है, जो खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा है, जो खुद को 2024 का मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त करने की बात करता हो और विपक्ष को तोड़ने की बात करता हो। 5 राज्यों के चुनाव हैं,
अगर हिम्मत थी तो नरेंद्र मोदी ये मुद्दे को तुम 2024 में भी तो उठा सकते थे। ये 8 राज्यों के चुनाव तो छोड़ो, तुम 5 राज्यों के चुनाव निकल जान देते जो दिसंबर तक थे। मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम, ये तो चुनाव तुम्हें निकल जाने। एक बात बताइए, आप 200 रुपये सस्ता हुआ तो उससे नाराज क्यों इतना? हमें नहीं चाहिए ना 200 रुपये का, 200 रुपये की, 200 रुपये से ऊँट के मुंह में जीरा।